झिझक या शायनेस दुनिया के हर इंसान में होती है। एक सिंगर अपने करियर में काफी सक्सेसफुल हो सकता है, पर फिर भी शायद जब उसे डांस करने के लिए कहा जाए तो वो शायनेस के कारण ना कर पाए। एक सक्सेसफुल स्पोर्ट्स पर्सन शायद लोगों से मिलने और बात करने में झिझकता हो, और हो सकता है कि एक इंजीनियर कभी अपने राइटिंग के टैलेंट को शर्म के कारण आजमाए ही ना। किसी में अपनी लैंग्वेज स्किल्स को लेकर झिझक है तो किसी को अपने अपीयरेंस को लेकर, और ये झिझक आती है इंसान के रिजेक्शन के डर से। हम कितनी चीजें करना चाहते हैं पर नहीं कर पाते, क्योंकि हमें डर लगता है कि अगर हमने ये काम ढंग से नहीं किया और हम सक्सेसफुल नहीं हो पाए तो लोग क्या कहेंगे। लेकिन हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि रिजेक्शन ही सक्सेस की पहली सीढ़ी है। अमिताभ बच्चन, जो बॉलीवुड के शहंशाह बुलाए जाते हैं, जिन्हें उनकी जानदार आवाज और अल्फाजों के लिए जाना जाता है, उन्हें उसी आवाज की वजह से ऑल इंडिया रेडियो के जॉब इंटरव्यू में रिजेक्शन मिला था। ये बात है उनके फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले की। उनकी आवाज में कर्कश होने के कारण उन्हें ऑल इंडिया रेडियो में एज एन आरजे हायर नहीं किया गया। जब उन्होंने फिल्मों में अपना टैलेंट आजमाना चाहा, उन्हें उनकी हाइट के वजह से फिर रिजेक्शन मिला, पर तब भी वे कोशिश करते रहे और वो रिजेक्शन से शर्माए नहीं। उन्होंने अपनी कमियों को ही अपनी ताकत बना लिया, और उसके बाद तो ऐसा दौर आया कि आज 50 साल बाद भी बॉलीवुड का शहंशाह उन्हें ही बोला जाता है। लेकिन हम सब बच्चन सर तो है नहीं, हम रिजेक्शन से डर कर कुछ नया अटेम्प्ट करते ही नहीं है। सोचते हैं कि अगर ऐसा किया तो पता नहीं लोग क्या सोचेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी, और हम ऐसे ही अपनी जिंदगी में आगे बढ़ ही नहीं पाते। आपके खुद के घर में आपने कई कहानियां सुनी होंगी कि शायद आपके पापा को गाना गाना पसंद था या आपकी मम्मी को एक्टिंग का बहुत शौक था, लेकिन फैमिली क्या सोचेगी या सोसाइटी क्या बोलेगी, इस कारण उन्होंने कभी अपने टैलेंट्स को सबके सामने आने का मौका ही नहीं दिया। कितने सपने इस शायनेस की वजह से कभी सच हो ही नहीं पाए। पर जिसे हम एक बड़ी समस्या समझते हैं, वो शायनेस असल में कुछ है ही नहीं। इसे हम बेबी स्टेप्स लेकर यूं ही गायब कर सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे। नंबर वन, अपनी प्रेजेंटेशन पर ध्यान दें। आप कैसे कपड़े पहनते हैं, कितने क्लीन दिखते हैं, वो आपके अपीयरेंस में एक कॉन्फिडेंस झलकाता है और लोग भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। नंबर टू, मिरर के सामने जाकर अपनी बात करने की स्किल्स को प्रैक्टिस और पॉलिश करें। तीसरा, हमेशा एक डायरी कैरी करें, अपने आइडियाज और थॉट्स को उसमें लिखा करें। इससे आप अपने थॉट्स को प्रेजेंट और एक्सप्रेस करना सीखेंगे। फोर्थ, जब आपसे कोई बात कर रहा हो या आप किसी से बात कर रहे हो, उनसे आई कॉन्टैक्ट मेंटेन रखने की कोशिश करें। इससे आपका डर भी खुलेगा और आप कॉन्फिडेंट भी दिखेंगे। फिफ्थ, ये बात एक्सेप्ट कीजिए कि कहीं ना कहीं से रिजेक्शन मिलेगा ही, आप बस अगली बार अपनी कमियों को रेक्टिफाई यानी सुधार करके आए। सिक्स्थ, अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए अनजान लोगों से भी आप बात कर सकते हैं। उनसे बात करते समय अगर आप कुछ ढंग से नहीं भी बोल पाते हैं, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ट्रायल एंड एरर करके ही आप आगे सीख पाते हैं और बेटर बन पाते हैं। अगर आप ट्राई करेंगे ही नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा कि आप क्या क्या कर सकते हैं और कितनी ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। तो इस बार आपका चैलेंज ऑफ द वीक है कि आप इस वीक ऐसी कोई 3 चीजें करें जो आपने आज तक झिझक के कारण नहीं की, और हमें कमेंट्स में बताएं कि आपने ऐसा क्या नया ट्राई किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल अंतर शक्ति को। धन्यवाद।